तो आज की वीडियो में मैं कर रही हूँ एंगेजमेंट मेकअप, जो कि मैं करूँगी फिटमी की फाउंडेशन से। और मैं ये भी बताऊँगी कि अगर हमें गर्मियों में मेकअप करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं लाइट से मेकअप। और लाइट सा मेकअप मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि ये जो मेकअप है मैं दिन में कर रही हूँ, ये हमारी जो क्लाइंट है इनकी सगाई है आज, तो और इनको जो है दिन में मेकअप कराना था लाइट सा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि गर्मियों में हम लोग किस तरीके से हल्का सा लाइट सा मेकअप हम लोग कर सकते हैं और फिटमी की फाउंडेशन से। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हल्का सा फेस क्लीन करके प्राइमर लगाया है, क्योंकि अगर किसी की स्किन ड्राई होती है तो थोड़ा सा प्राइमर लगाना ज़रूरी है। वैसे गर्मियों में जब हम मेकअप करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता प्राइमर लगाना, क्योंकि अगर किसी की स्किन ऑयली है तो ऑलरेडी फेस के अंदर इतना ऑयल सा निकला हुआ होता है कि ज़रूरी नहीं होता। अगर लग रहा है हमें लग रहा है कि हमें स्किन ड्राई लग रही है तो थोड़ा सा हम लोग प्राइमर लगा सकते हैं या फिर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अप्लाई करने के बाद सबसे पहले मैं करूँगी आईज़ मेकअप। और आईज़ मेकअप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इनका जो ड्रेस है वो है लाइट पिंक कलर का है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कलर चूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है फिटमी की फाउंडेशन ही यूज की है आई बेस के लिए, क्योंकि जो आईज़ का मेकअप जब हम करते हैं तो हमारा आईज़ का जो एरिया होता है वो काफ़ी थोड़ा सा डार्क होता है, ब्लैक सा होता है, ब्राउन कलर का। तो जो भी अगर हम लोग लाइट कलर हम लोग अप्लाई करेंगे आई शेडो के तो वो ठीक से दिखाई नहीं देते, उनका कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। बेस बनाएंगे तो हम लोग जो भी कलर अप्लाई करेंगे अपनी आई शेडो के वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होंगे और दिखाई भी देंगे। तो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लिया है फिटमी का और उसी से मैंने थोड़ा सा आई बेस बना लिया। उसके ऊपर सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेकअप स्टूडियो का मेरे पास पैलेट है, ब्राउन शेड है उसके अंदर, तो डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया आई शेडो की और उससे मैंने यहाँ पर जो है कट क्रीज को डिफाइन कर लिया। सबसे पहले हम लोग जब भी कोई आई मेकअप करते हैं तो हम लोग अपना अगर हमें दो या तीन शेड कलर लगाने हैं आई शेडो के तो क्रीज एरिया डिफाइन करेंगे। तो क्रीज एरिया डिफाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर जो ब्राउन कलर लिया था उसके बाद बस मैंने कॉर्नर पर ब्राउन लगाया और क्रीज एरिया डिफाइन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिंक और गोल्डन मिक्स करके शिमर लगाया है अपने आई बॉल पर, बस इतने कलर लगाए। बहुत ही लाइट सा मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा कलर आई शेडो के यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि दिन में जब हम मेकअप करते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा कट क्रीज आइज बनाते हैं या फिर कुछ हैवी लुक देने की कोशिश करते हैं तो वो दिन के मेकअप में दिन के फंक्शन में अच्छा नहीं लगता, तो लाइट सा मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ मेकअप के, ब्राइडल हेयर कट्स के, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आई शेडो में ब्राउन और शिमर के लिए मैंने यहाँ पर पिंक शेड यूज किया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया बस। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है लाइनर यूज किया है, लाइनर यूज किया है मैंने यहाँ पर क्राइलोन का जेल बेस है, जेल लाइनर है, और लाइनर ब्रश की हेल्प से हम लोग यहाँ पर जेल लाइनर अप्लाई कर लेंगे। तो बस हो गया हमारा आईज मेकअप। उसके बाद यहाँ पर मैंने आईब्रो को फिल किया है, जो मेरी मेकअप स्टूडियो की पैलेट है आई शेडो की, उसमें से मैंने ब्लैक या ब्राउन थोड़ा, ये देख लेंगे हम जब भी आईब्रो फिल करेंगे कि हमें ब्लैक कलर की ज़रूरत है या फिर ब्राउन की। तो मैं अधिकतर जो है हल्का सा ब्राउन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर अगर हम आई शेडो में आईब्रो में सॉरी फील करते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क सा लगता है, ओवर लगता है दिन के मेकअप में। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन लिया है तो हम आईब्रो फील कर लेंगे। तो आईज मेकअप लगभग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं बनाऊंगी बेस। बेस के लिए मैंने प्राइमर सबसे पहले अप्लाई कर लिया था आई मेकअप से पहले। अब मैंने यहाँ पर लिया है क्राइलोन का D34 ऑरेंज कलर, उससे थोड़ा सा बहुत ही लाइट लाइट से मैंने जहाँ पर डार्कनेस या फिर इनके थोड़ा निशान थे वो हाइड कर दिए हैं, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है उसे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई फिटमी का फाउंडेशन हो या फिर कोई भी फाउंडेशन हो, अगर हमारा स्किन टोन से मैच नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा एक या दो टोन लाइटर है या फिर डार्कर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट शेड लेंगे और एक डार्क शेड लेंगे और दोनों का मिक्स करके वो शेड बनाएंगे जिस शेड की हमें ज़रूरत है।
तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि दो शेड मैंने यहाँ पर मिक्स किए, क्योंकि 310 लगा रही थी तो थोड़ा लाइट लग रहा था, 330 लगा रही थी तो थोड़ा डार्क लग रहा था, तो मैंने दोनों को मिक्स करके एक जो मुझे स्किन टोन चाहिए था वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। और वो पूरे फेस पर मैंने डॉट 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 करके अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम लोग जो ब्रश हमारा जो है फाउंडेशन ब्रश होता है अप्लाई करने का, उससे मैंने यहाँ पर उसे फैला दिया, अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। ध्यान रखेंगे फाउंडेशन हम कोई भी यूज करें हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी है, हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से मर्ज हो चुका है, तो उसकी फिनिशिंग और उसका जो ग्लो आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि कोई भी फाउंडेशन लगाओ बस अप्लाई कर दे और उसके बाद हमने प्रोडक्ट या लूज पाउडर जो भी अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अजीब सा दिखता है, तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्राइलोन का लिया था लूज़ पाउडर, वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, बहुत ही हल्का सा किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करूँ, क्योंकि डे मेकअप है। डे मेकअप में हम लोग यही करते हैं कि क्योंकि दिन की रोशनी में मेकअप हमारा जो है बहुत ओवर दिखता है, फिर रात का फंक्शन होता है तो थोड़ा ओवर चलता है, उसके दिन में हमारा इतना ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही लाइट लाइट सा किया। उसके बाद मैंने जो हाइलाइटर पैलेट यूज़ की है वो है पैक की, काफ़ी अच्छे हाइलाइटर्स है, इससे मैंने हाईलाइट एरिया को हाईलाइट किया है। चिक्स हैं हमारे, नोज है, थोड़ा सा फोरहेड पर भी लगाएंगे और इस तरीके से हम लोग पूरे मेकअप को कंप्लीट करेंगे। हाइलाइटर भी काफ़ी कम क्वांटिटी में लगाया है, तो इस तरीके से हम लोग दिन में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा मेकअप काफ़ी अच्छा भी लगेगा और सॉफ्ट मेकअप लगेगा। उसके बाद जो हमारा आई मेकअप अधूरा रह गया था, जैसे काजल है, मस्कारा है, वो मैंने बाद में अप्लाई किया था, लैसेस वगैरह। तो इसके बाद हमारा जो है, एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम काजल या फिर कोई भी लगाते हैं आँखों में तो उसके नीचे थोड़ा सा ब्राउन शेड या फिर जो भी हमने आई शेडो के ऊपर यूज किए हैं कलर, वो वाले जो है नीचे भी थोड़ा सा लगा देंगे। इससे दो बेनिफिट है, एक तो हमारा काजल फैलेगा नहीं, दूसरा एक स्मोकी सा लुक आता है, आईज हमारी अच्छी लगती हैं। उसके बाद हम अपना लिप कलर अप्लाई करेंगे। लिप कलर यहाँ पर मैंने लिया है लैक्मे का है, न्यूड शेड है, बाकी हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं लिप कलर, जो भी हमारी ड्रेस है या फिर जो भी क्लाइंट की चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूड शेड का यूज किया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनका हेयर स्टाइल का वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं।